जब हम शिकायत करते हैं कहते हैं ना आप एंटी नेशनल हो, हम आपसे वो मांग रहे हैं जो आईन के अंदर है, वो भी आपके गले से नहीं उतरता। आप कौन सी इंसानियत, जमहूरियत, कश्मीरियत की बात करते हो? यहां तो कानून पे आपका भरोसा नहीं है, आप तो निकले चले कानून बदलने। और बदकिस्मती की बात कि ये हमला आज उस वक्त हो रहा है जबकि शायद हमारी हिस्ट्री में सबसे कमजोर चीफ मिनिस्टर उस दफ्तर में बैठी हुई है। शायद ही मैंने मुझे नहीं लगता है कि गुलाम अहमद शाह साहब भी इतने कमजोर चीफ मिनिस्टर थे जितनी कमजोर चीफ मिनिस्टर महबूबा मुफ्ती साहिबा है। बोलती बंद, झूठ के बुनियाद पे यहां लोगों को अपने साथ, जो जीएसटी पे झूठ बोला अब इस पर 35A पे। वजीर आजम से 15 मिनट मुलाकात करने के बाद बाहर आई और कहा कि वजीर आजम ने मुझे मुतमाइन किया है कि इस 35A के मामले में हम आपके साथ हैं। अगर हैं तो मरकज की हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट फाइल क्यों नहीं किया? सीधी सी बात है, जब केस चल रहा है और केस के साथ आप अपने आप को शामिल करना चाहते हो उसके हक में आप भी एफिडेविट भरते हो। अगर मरकज ने वाकई महबूबा मुफ्ती साहिबा को मुतमाइन किया है कि 35A के मामले में वो कोई खिलवाड़ जो है उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे और वाकई महबूबा मुफ्ती को लगता है कि वो एक बहुत मजबूत पावरफुल चीफ मिनिस्टर हैं, तो अगले हफ्ते 10 दिन के अंदर अंदर हमें दिखाइए, मरकज की तरफ से एक काउंटर एफिडेविट फाइल कराइए, मरकज को भी इस केस में पार्टी बनाए और वो भी 35A को डिफेंड करे, तब हम जाके माने कि वजीर आजम साहब ने जो आपसे कहा वो सही है। ये जो इन धोखों के बुनियाद पे हमें मत चलाइए, वो धोखा देगी और इस रियासत में आग लगेगी। जो कल हड़ताल रहा मुकम्मल, और किसी दोस्त ने मुझे सही कहा ये पहली मर्तबा हमने देखा कि हिंदुस्तान के आईन को बचाने के लिए हड़ताल रखा गया है। हकीकत है, इससे पहले जो हड़ताल रखे गए थे वो हिंदुस्तान का कंट्रोल जम्मू कश्मीर में कितना कम हो जाए उसके लिए हड़ताल रखे जाते थे। आज हड़ताल रखा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर की जो आईनी पोजीशन है वो महफूज रहनी चाहिए, उसको नुकसान नहीं होना चाहिए और लोगों ने उसमें दुकानें बंद की, ट्रैफिक बंद रहा। आज जम्मू वाला भी समझना शुरू कर गया है कि इस 35A के उठने से उनको कोई फायदा नहीं होगा, तो इसलिए हमने सोचा आज हम थोड़ा सा वक्त आपका इस्तेमाल करें ताकि सही मायने में आप इस इश्यू को समझें, शायद कुछ नया आपने इसके बारे में आज सीखा होगा। कल को जब आप घर वापस जाओगे, बैठे होंगे कहीं पर, आप भी दो बातें कर सकते हो, वहां पीडीपी वाला भी होगा, कांग्रेस वाला भी होगा, हुर्रियत वाला भी होगा, आप उनको सही अंदाजे में और सही तरीके से इस चीज को समझा पाओगे। आगे के लिए हमारी क्या सोच रहेगी, किस तरह का प्रोग्राम रहेगा, क्या जिद्दोजहद हमें करना होगा इस 35A को बचाने के लिए, कानूनी तौर हम क्या कर सकते हैं,
सियासी तौर हम क्या कर सकते हैं उसके लिए फारूक साहब अक्सर बेशतर हमें बुलाते, हमारी राय जो है हमसे हासिल करते हैं। आज भी 4 बजे 2-3 लोगों को हमें से बुलाया गया है कुछ चीजों को समझने के लिए। तो आगे के लिए क्या प्रोग्राम रहेगा वो वक्त वक्त हम आपको बता देंगे। सर आप चाहते हैं कि इस बारे में हुर्रियत का भी आप मदद लें कि नहीं? हमें उनकी मदद की जरूरत नहीं है, हमें उनकी मदद की जरूरत नहीं है। ये इशू हमने उठाया है, ये इशू सबसे पहले इसकी सीरियसनेस हमने समझी और हम इस चीज को लेते रहेंगे। हमें इसमें हुर्रियत हुर्रियत की मदद की जरूरत नहीं है, हम इसको अपने तरीके से कर लेंगे। वी आर डिस्कसिंग दैट टुडे। आप बोल रहे हैं